सभी जीवों के पास अपार शक्तियों का भंडार है। उस भंडार पर या तो कोई आवरण है या अवरोध है, वो शक्ति अटक गई है। और अभी जैसे बड़ौत में हमने एक बालक को देखा, उसने कुछ प्रशिक्षण प्राप्त किया था तो आँख पर पट्टी बांधकर वो कुछ नंबर वगैरह पढ़ लेता था, रंग बता देता था और ये बता देता था कि ये कौन सा फल है। तो उन क्षमताओं को यदि अपन उद्घाटित करते हैं जो रुकी हुई है, उनको अपन खोलते हैं, तो बहुत सी शक्तियां इसी जन्म में, इस कलयुग में भी प्रकट हो सकती है। और आप फिर देखिए कि कुछ और बड़े बड़े साधक होते हैं, टेलीकाइनेसिस एक प्रक्रिया होती है, उसकी ट्रेनिंग लेने के बाद वो किसी वस्तु को हटा सकते हैं बिना हाथ लगाए, उसको छुए बिना वो उस वस्तु को इधर से उधर खिसका लेते हैं। फिर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो यहां बैठकर कई मील दूर कोई बैठा हो उसके साथ संपर्क कर लेते हैं, और कभी कभी बहुत दूर किसी का उपचार भी कर लेते हैं। वो वहाँ पर बीमार पड़ा हुआ और ये यहाँ से ध्यान लगाते हैं और कुछ विधियाँ करते हैं तो उसको स्वास्थ्य लाभ वहाँ पर हो जाता है। और फिर जब पुराणों में शास्त्रों में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि तपस्या से और पवित्रता से, विशुद्धि से आत्मा की शक्तियाँ प्रकट होती है। एक मंद बुद्धि मनुष्य यदि तपस्वी होकर अपने मन को बहुत पवित्र बना ले तो उसकी बुद्धि भी तीक्ष्ण बुद्धि हो जाती है। सागर विधवा आश्रम में एक माता थी, सुमित्रा बाई, और स्थानीय परंपरा से तो वो परिचित थी कि यहाँ पर इस विधि से विधान होते हैं, पूजाएं होती है, अभिषेक होता है, वो सब तो वो बचपन से देख चुकी थी। लेकिन उसके मन में एक भावना थी कि मुझे जिनवाणी में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके अनुसार अपनी मान्यता को बनाना है। भले कहीं किसी मंदिर में कोई पद्धति चल रही हो उसकी मुझे शिकायत नहीं, वो जो जैसा करते हैं वो करते रहे, लेकिन मुझे शास्त्रों में क्या है ये समझना है। तो उन्होंने 2 वर्षों तक बड़े बड़े आचार्यों से पत्र व्यवहार किया और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर उन्होंने प्राप्त किए। और उसके बाद फिर वहाँ के लोगों से उसने कहा कि देखो भाई, हमें पूरे जिनवाणी से उत्तर मिल गए हैं, अब हम अमुक संघ में आर्यिका दीक्षा लेने का विचार बना रहे हैं, आप लोगों को कोई अड़चन तो नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हमें कोई अड़चन नहीं है, अगर आप जिनवाणी के मार्ग पर जा रही हैं तो फिर हम तो अनुमोदना करेंगे, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि इसमें ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, ये अपने यहाँ नहीं चलता ये सब। तो बोले ठीक है, अपने यहाँ नहीं चलता ना चले, मेरा कोई आग्रह नहीं कि चलाओ, लेकिन यदि जिनवाणी में है तो फिर उस पर मैं तो अश्रद्धा नहीं कर सकती। जो कुछ जिनवाणी में लिखा है उसको अपन तर्क कुतर्क करके खारिज कर दे, ये बात तो संभव नहीं है। और सुमित्रा बाई ने, आपने नाम सुना हो,
आचार्य शिव सागर महाराज श्री का, सुना है नाम कभी? जो आर्य का ज्ञानमती माता जी के गुरु थे आचार्य वीर सागर महाराज श्री, उनके गुरु आचार्य शांति सागर महाराज श्री थे। तो आचार्य वीर सागर महाराज श्री का आचार्य पद जिनको प्राप्त हुआ था वो आचार्य शिव सागर महाराज श्री थे। उनके चरणों में जाकर उनने दीक्षा की प्रार्थना की। पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने कहा कि मैं वहाँ स्वाध्याय कराने जाता था विधवा आश्रम में, लेकिन ये तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है। कौन? नाम क्या था उनका? सुमित्रा बाई जी था। बोले ये तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, इनको जल्दी दीक्षा मत देना, पहले ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है फिर दीक्षा लेना। लेकिन कुछ दिनों बाद पंडित जी के पास समाचार आए कि सुमित्रा बाई की दीक्षा हो रही है। तो पंडित जी नाराज हो गए, बोले कि क्या तरीका है ये, आचार्यों को दीक्षा देने की पड़ी रहती है चाहे उसमें पात्रता हो या ना हो, इतनी जल्दी क्या थी दीक्षा देने की, बाद में भी दे सकते थे। खैर दीक्षा हो गई, वो गए नहीं गुस्से में, वहां पर दीक्षा देखने नहीं गए वो। और उसके बाद फिर करीब एक आध साल बीत गया और फिर संयोग बना कि चलो वहां चले आचार्य शिव सागर महाराज श्री के संग में। तो वहां गए तो आचार्य श्री और संगस्त अन्य साधु अन्य मुनिराज पंडित जी को देख रहे थे कि इनके चेहरे की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि ये रूठ तो गए हैं इतने बड़े विद्वान भारत के। उन्होंने 70 ग्रंथों का संपादन किया पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने, आदि पुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण आदि बहुत सारे ग्रंथों के हिंदी अनुवाद आज उन्हीं के अनुवाद के रूप में मिलते हैं भारतीय ज्ञानपीठ से छपे हुए। तब आचार्य महाराज ने पंडित जी से कहा, देखो पंडित जी, साधु की दिनचर्या पालने की पात्रता देखकर मैंने दीक्षा दी है। वो दिनचर्या बराबर पाल रही हैं, ज्ञान की बात अपनी जगह है, क्योंकि ज्ञान कभी कभी किसी को प्राप्त हो जाता है, किसी को नहीं भी हो पाता। कई बरसों तक अध्ययन करने के बाद भी ज्ञान नहीं हो पाता, बहुत दुर्लभ है ज्ञान, लेकिन चर्या उनको समझ में आ गई है और वो पाल रही हैं। उन्होंने अपने वैराग्य भाव में आकर मुझसे कहा कि गुरुवर दीक्षा दे दो और मैं आचार्य पद पर आसीन हूं, कोई दीक्षा मांगता है और चर्या का भी ठीक से पालन करने में समर्थ है तो न दीक्षा देना मेरा दोष माना जाएगा। उसकी क्षमता और सब कुछ कर रहा है वो विधिवत, और मैं दीक्षा न दूं तो उसका कारण क्या, क्यों न दूं दीक्षा? और दूसरी बात, आज वो दीक्षा मांग रहा है, अगर कल उसकी मृत्यु हो जाए और मैं दीक्षा न दूं उनको तो अदीक्षित अवस्था में उसकी जो मृत्यु हुई उसका दोषी कौन होगा, और जीवन का कोई ठिकाना है क्या? हमने जबलपुर में 4 पंक्तियां लिखी थी कि समय का कोई ठिकाना नहीं होता, बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, यह सुअवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा, जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। तो पंडित जी को बात समझ में आ गई कि आचार्य श्री आप सच कह रहे हैं, अदीक्षित अवस्था में अगर मरण हो जाए तो बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। और फिर पंडित जी के जीवन में वैसी एक घटना घटी। वो कटरा में रहते थे, सागर में या कौन सी जगह है वो,
अच्छा सेंटर प्लेस है सागर में, वहाँ पर उनका घर था और नीम की दतौन करते थे वो। 90 साल तक उनकी उम्र हो गई लेकिन दांत मजबूत के मजबूत थे, नीम की दतौन का कमाल था। तो सवेरे जब वो दतौन कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक लड़का साइकिल पर एनसीसी की परेड के लिए जा रहा है। स्कूल में परेड होती है ना एनसीसी की, तो वहाँ जा रहा है। और कल ही शाम को सागर पधारे हुए 3 मुनिराजों में से एक मुनि महाराज ने पंडित जी से कहा था कि पंडित जी इतने बड़े विद्वान हो आप, व्रत वगैरह धारण करने का भाव बनता है कि नहीं बनता, प्रतिमा धारण कर लो। पंडित जी बोले कि मेरी शक्ति नहीं है और मेरी हिम्मत भी नहीं है। व्रत धारण करने के लिए शक्ति भी चाहिए हिम्मत भी चाहिए, मेरे पास दोनों नहीं है। महाराज बोले ठीक है सोच लेना। वो घर आ गए और दूसरे दिन सवेरे वो एनसीसी वाला लड़का निकला और 10-15 मिनट बाद वहां से समाचार आया कि परेड करते करते उस बच्चे का हार्ट फेल हो गया। पंडित जी का हृदय थर्रा गया। उनको ये लगा कि अगर व्रतों को धारण किए बिना मेरा हार्ट फेल हो गया तो ये जीवन तो मेरा बेकार चला जाएगा। वो तत्काल मंदिर गए और उन्हीं मुनिराज के चरणों में बैठ कर के बोले कि हे मुनिवर, शायद धर्म सागर महर्षि थे, यहाँ तो चतुर्मास भी हुआ है आचार्य धर्म सागर महर्षि का। बोले कि महाराज श्री, मैं व्रती बनने के लिए तैयार हूँ। क्यों क्या हो गया? कल तो शक्ति नहीं थी हिम्मत नहीं थी, आज कहाँ से आ गई? बोले तो बोले आज ऐसी घटना हो गई। बोले सन 85 में रविंद्र जैन गंज बासोदा में आए थे, संगीतकार गीतकार रविंद्र जैन, और गजरथ की फेरी हुई थी वहाँ पर, और उसके बाद आचार्य श्री का उपदेश भी हुआ था। उपदेश के बाद अचानक ताराचंद प्रेमी जी ने आचार्य श्री से कहा कि संगीतकार रविंद्र जैन एक भजन आपके चरणों में पेश करना चाहते हैं। तो आचार्य श्री बैठ गए, यानी उठ रहे थे लेकिन बैठ गए, और उन्होंने हारमोनियम लेकर और एक तबले वाले को लेकर एक भजन गाया था। फिर बाद में उसकी एक कैसेट भी निकली लेकिन उसमें लय दूसरी हो गई। यहाँ पर जो साक्षात संतों के चरणों में उन्होंने गाया था वो बात अलग थी थोड़ी सी। तो उन्होंने उस भजन को जब गाया तो उसमें उनने कुछ पंक्तियाँ तत्काल बना करके गाई थी। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है, कहीं दर्पण देख विरक्ति। शांतिनाथ भगवान दर्पण देखकर विरक्त हो गए थे और दीक्षा ले ली थी। दर्पण देखते देखते उनको कुछ आगे के रूप दिख गए थे, निर्ग्रंथ अवस्था वगैरह के। तो उनने सोचा कि अब यहाँ क्या पड़े रहना, दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा ले ली उन्होंने। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता जो पूर्व जन्म का त्यागी, निर्ग्रंथ साधु ही इतने सद्गुण से सज सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है।
आत्मा तो अजर अमर है, हम आयु गिने इस तन की। आत्मा तो अजर अमर है, हम आयु गिने इस तन की। वैसा ही जीवन बनता जैसी धारा चिंतन की। वही सबको समझा पाता जो स्वयं समझ लेता है। वही सबको समझा पाता जो स्वयं समझ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। अब पंडित जी की वो स्थिति हुई, अचानक उनके भाव बन गए, व्रती बन गए तब से पंडित जी। और उसके बाद जीवन भर वो व्रती रहे। 7 प्रतिमा उनने बाद में धारण की। और कई बार प्रेरणा मिलती थी साधुओं की तरफ से कि क्षुल्लक दीक्षा ले लो पंडित जी, पर पंडित जी बोलते थे कि नहीं, अभी नहीं ले सकते। और एक्सीडेंट हो गया उसके बाद, सीढ़ियों से नीचे गिर गए और हड्डी इस तरीके से टूट गई कि 6 महीने तक तो उनको लेटे रहना पड़ा। और फिर बाद में वो कभी कभी भावुक होकर के कहते थे, उनके आंसू आ जाते थे कि देखो, उन्होंने कहा था व्रती बन जाओ, मैं व्रती बन गया। उन्होंने कहा था क्षुल्लक बन जाओ, मैं नहीं बना, अब कभी नहीं बन सकता, अब मेरा शरीर टूट चुका है, अब नहीं बन सकता। तो कुछ लोग कहते हैं कि 56 साल की उम्र में क्षुल्लक दीक्षा ले लेना बहुत अच्छी बात है। अब खैर, ऐसे वर्षों का हिसाब तो अपन कहीं पढ़ने में नहीं आता, पर फिर भी लोगों का अनुभव है। आचार्य आनंद सागर जी कहते थे कि प्रथम संतान का विवाह होने पर ब्रह्मचर्य धारण कर लो। अगर जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो देखो, बहुत सारे उपाय हैं, बहुत कुछ करने के लिए अपने पास रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन विषय कषायों में मन फंसा हुआ है, कुछ छोड़ने की इच्छा नहीं होती। ऐसा लगता है कि भाई देखो, कई ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने फटाफट आत्मकल्याण कर लिया, हम भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है, ये आत्मकल्याण ऐसे फटाफट हो जाए सबके लिए संभव नहीं है। जैसे भरत चक्रवर्ती ने अंत में दीक्षा ली और फिर तुरंत केवल ज्ञान हो गया। अरे, अपने आप को भरत चक्रवर्ती मत समझो। भरत चक्रवर्ती ने कितने जन्मों तक साधना की थी वो भी देखो ना, वो कहाँ से आए थे? सर्वार्थ सिद्धि से। और सर्वार्थ सिद्धि से आने वाले जो होते हैं वो उस जन्म के कितने बड़े मुनि होते हैं। तो इसलिए किसी के साथ तुलना मत करो। अगर अपने पास भावना है, क्षमता है, समस्या ये है कि जब क्षमता होती है तब भावना नहीं होती, और जब भावना होती है तब क्षमता नहीं होती। क्षमता और भावना दोनों साथ में हो तो कदम आगे बढ़ा लेने में ही कल्याण है। कल जैसे कहा था ना कि कितना भटक चुके हैं, अब क्या करना है, कुछ बाकी रह गया क्या? तो अब ये भी आपके लिए सोचने का अवसर है। आप भी ऐसे कमजोर मत समझो अपने आप को, कुछ तो कर ही सकते हो। अष्टमी चतुर्दशी को तो शुद्ध जैन बन सकते हो, नहीं? कितनी कैसे युग की क्या गति हो गई है देख लो आप, सोचो। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।